हुआ ऐसा है कि देश दुनिया में बहुत कुछ नॉर्मल हो गया है। वो चीजें जो कि पहले कान सुन्न कर देती थी धीरे धीरे नॉर्मल होती गई, पूरी तरह से नहीं तो कम से कम उस दिशा में बढ़ तो रही है। मसलन होमोसेक्सुअलिटी, एक वक्त था जब यदा कदा ही ये शब्द सुनने को मिलता था, लेकिन आज के वक्त में देश में इसके ऊपर बहस होती है। देश की अदालत ने इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया, जो कि बहुत बड़ा कदम था। ऐसी और भी तमाम चीजें हैं जो कि नॉर्मल हो चुकी हैं, इसमें से एक है ट्रोलिंग। वो ट्रोलिंग जिसमें आपको इस कदर शर्मिंदा महसूस करवाया जाता है कि आप खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। और इस ट्रोलिंग के नॉर्मल होने का सबसे पहला सबूत दिया है स्टार नेटवर्क ने, एक एड बनाकर। स्टार ने सालों पहले इंडिया और पाकिस्तान के राजनीतिक और वर्ल्ड कप क्रिकेट के इतिहास को एक प्याले में घोलकर एक एड बनाया था, मौका मौका एड, काफी वायरल हुआ। पाकिस्तान के जीतने का मौका जो कि वो वर्ल्ड कप में हर दफा गंवा देता है। 2019 के विश्व कप में 16 जून को इंडिया और पाकिस्तान एक बार फिर से एक दूसरे के खिलाफ खेलने के लिए उतरेंगे। ये वही मैच होगा जिसे बॉयकॉट करवाने की कितने ही न्यूज एंकर्स ने कसम उठा रखी थी। स्टार नेटवर्क ने इसी मैच के लिए एक एड बनाया है। पाकिस्तान की ओर से आने वाला आदमी कहता है कि उसे उसके अब्बू ने सिखाया था कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। इस पर हिंदुस्तानी बंदा कहता है, मैंने ये कब सिखाया तुझे? इशारों इशारों में ही ये मालूम पड़ जाता है कि एड साफ तौर पर इंडिया को पाकिस्तान का बाप बता रहा है। बाकी रही कसर अगले ही पल हैप्पी फादर्स डे लिखकर आने वाला ग्राफिक्स पूरा कर देता है। ये सब कुछ और कुछ नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर पाई जाने वाली घटिया ट्रोलिंग को पूरी तरह से सामान्य डिक्लेयर कर देने का सबसे अल्टीमेट स्टेप है, क्योंकि अब यह आपके मोबाइल की स्क्रीन जो कि आपकी प्राइवेट स्क्रीन है उससे निकलकर टीवी पर आ गया है, जिसे सभी साथ बैठकर देखते हैं। इंडिया पाकिस्तान का बाप बन चुका है ऑफिशियली, क्योंकि यह अब टीवी पर है। 2019 वर्ल्ड कप के पहले मैच को टीवी पर 10 करोड़ लोगों ने देखा था। यह ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का दिया हुआ डेटा है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मैच को इससे भी ज्यादा लोगों ने देखा होगा, यह तय बात है। इतने सारे लोगों के सामने इंडिया पाकिस्तान के मैच से ठीक एक हफ्ता पहले यह बात परोसी जाने लगी है, इंडिया पाकिस्तान का बाप है। किसी का बाप होना क्या होता है, यह बड़ी मजेदार चीज होती है। किसी से यह कहना कि तुम अभी बच्चे हो और यह कहना कि मैं तुम्हारा बाप हूं, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बाप के मामले में असल में एक मां भी होती है जिसके साथ सेक्स करने के बाद ही बच्चा पैदा होता है। हां, हमारी किताबों में खीर खाकर भी बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन उस पर बात फिर कभी करेंगे। यानी बाप कहलाने में एक अलग सुख है, क्योंकि उसमें बेहद घटिया और बेहद शांत तरीके से, बेहद सटल तरीके से मिक्स की गई वो सेक्सुअल हिंसा भी शामिल है, जो कि अगले को शर्म में डुबोने के लिए काफी होती है। और ये अब हम सभी अपने अपने घरों की टीवी पर, अपने मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन पर दिन भर में न जाने कितनी बार देखेंगे। स्टार नेटवर्क को इसके लिए जितना शुक्रिया कहा जाए कम है। स्टार के इस घटिया एड के रिलीज होने की टाइमिंग भी बहुत अनोखी है। ये उस मैच के दौरान रिलीज हुआ जिसमें विराट कोहली ने खेल भावना की अनोखी मिसाल कायम की। भारतीय दर्शक इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस के दौरान स्टीव स्मिथ को बाउंड्री पर ट्रोल कर रहे थे। ये वही स्टीव स्मिथ हैं जिसने 2015 वर्ल्ड कप में इंडिया को अपनी बैटिंग के दम पर बाहर का रास्ता दिखाया था। और ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसने वर्ल्ड कप के अपने पिछले 48 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 4 मैच हारे हैं। लेकिन चूंकि 9 जून को दिन भारतीय क्रिकेट का था, बाउंड्री पर स्टीव स्मिथ को चीटर कहकर संबोधित किया जा रहा था। कोहली को यह कतई ठीक नहीं लगा, वो बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने लोगों से ऐसा न करने की अपील की और उल्टा स्मिथ के लिए तालियां बजाने को कहा। इसके बाद उन्होंने स्मिथ से दर्शकों की ओर से माफी मांगी और दुनिया को यह बताया कि खेल के मैदान पर भले ही एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देने के सपने देखे जाते हों, लेकिन उसका अंत वापस ड्रेसिंग रूम जाते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाकर और घर वालों के हालचाल पूछकर ही होता है। स्टार ने उसी दिन ठीक उसी मैच के आखिरी हिस्से में इस एड को टीवी पर चलाना शुरू किया। इससे बड़ी आयरनी बीते कितने ही वक्त में मैंने नहीं देखी है। जिस तरीके से चीजें हो रही हैं और जिस आसानी से लड़कों के व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि इस दुनिया पर पाई जाने वाली सबसे घिनौनी जगह होती है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में पाए जाने वाले बेहद अलार्मिंग चुटकुले ट्विटर फेसबुक की टाइमलाइन से होते हुए टीवी का हिस्सा हुए जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब चार चवन्नी घोड़े पर और मोहाली में आया भूत भी स्टार नेटवर्क अपनी टैगलाइन बना ले। ऐसा भी हो सकता है कि कोई देशभक्त कमेंटेटर इन्हें टीवी पर बोल दे और यकीन मानिए
उस दिन इसे भी देशभक्ति का सूचक कहकर डिफेंड कर लिया जाएगा, क्योंकि इस देश से ऊपर कुछ भी नहीं, अक्ल भी नहीं, नियम भी नहीं और इंसानियत भी नहीं। पाकिस्तान से हमारी फोबिया हमें दिमागी तौर पर दिवालिया बनाती जा रही है और हम इसमें काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि कैसे ऐसी बातें करते हुए हम इतने गहरे धंसते जा रहे हैं कि धरती के अंदर बह रहे लावे ने हमें जलाना शुरू कर दिया है और उस जलन को हमने देश के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी मान लिया है। खुशी बस इस बात की है कि हम पाकिस्तान के बाप हैं और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमाई भी जान पड़ रही है। सबसे शर्मनाक तो यह है कि इस देश का अधिकतर हिस्सा इस घटिया बात पर एक खड़ा दिखाई दे रहा है। उधर पाकिस्तान में भी इसके जवाब में एक एड बना है, वो भी कम पीछे नहीं है। उस एड में विंग कमांडर अभिनंदन के जैसा दिखने वाला एक शख्स दिखाई देता है। उसने इंडिया की जर्सी जैसे कपड़े पहने हुए। उससे पूछा जाता है कि टॉस जीत के आप क्या करेंगे। वो अभिनंदन की तरह ही कहता है, I'm not supposed to tell you that। उससे पूछा जाता है कि प्लेइंग 11 में कौन-कौन है। उसका जवाब दोबारा भी वही होता है। फिर पूछा जाता है कि चाय कैसी है। इस पर वो कहता है, टी इज फैंटास्टिक। फिर वहां से निकलते हुए उसके हाथ से चाय का कप ले लिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कप लेकर कहां जा रहे हो। ये कप वर्ल्ड कप की ओर इशारा करता है। ये एड पाकिस्तान में चल रहा है जो कि उतना ही घटिया है जितना स्टार का एड। पाकिस्तान ने भी बेवकूफी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक घटिया चीज का जवाब और भी घटिया तरीके से दिया और इस दिमागी दिवालियेपन की रेस में उन्होंने भी अपनी दावेदारी पूरी तरह से घोषित कर ली है। अच्छा है, दोनों ओर से ऐसी छिछली हरकतें होती रहें, क्रिकेट हम फिर कभी खेल लेंगे।